कहिए कैसे हैं आप। सत्यम शिवम सुंदरम। आज महाशिवरात्रि है और मंदिरों में भारी भीड़ है और भजन बज रहे हैं, पूरी तरह से जो माहौल है ना शिवमय हो रहा है और बहुत अच्छा लगता है। और वैसे शिव जी की बहुत चीजें ऐसी जिनसे हम कुछ सीख भी सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शिव जी नीलकंठ थे, उन्होंने जो विष का पान किया था उसको गले में रखा था, ना उसको निगला था ना उसको उगला था, क्योंकि अगर निगलते तो भी उन बहुत गड़बड़ हो जाती और अगर उगल देते तो भी, ये सब हमें कहानी से पता ही है। उन्होंने कंठ में धारण किया था अपने विष को। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी जो हमारे समाज में हम जब रहते हैं तो हमारे जो दुख होते हैं, परेशानियां होती हैं, चिंताएं होती हैं, उनको भी हमें यहीं तक धारण करना चाहिए। क्योंकि अगर चिंताओं को हम नीचे उतार लेंगे, अंदर तक, शरीर के अंदर तक ले जाएंगे, उसको बिठा लेंगे, तो हमारे शरीर को नुकसान होगा। और अगर हम उन चिंताओं को बाहर निगल देंगे, बाहर बोलेंगे, लोगों को इधर उधर बोलेंगे, तो कलह भी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए एक चीज तो ये है कि जैसे उन्होंने विष धारण किया था, उसी तरह से हमें भी चिंताएं जो होती है ना, दुख, तकलीफ, परेशानी, उसको जो चिंताएं, जो बेसिकली चिंता है, उसको अंदर नहीं उतारना, उसको यहीं तक रखना है और ना उसको नीचे करना और ना उसको उगलना। दूसरी बात यह है कि जैसे उनके जो शिव जी के सिर पर चंद्रमा है, ठंडक का, शांति का प्रतीक है। हम हर बात पे गुस्से में रहते हैं, लंबे रहते हैं कि किसी बस गुस्सा आ रहा है, चिंता है, तनाव है, तो शांति, संयम, थोड़ा सा ठंडा, जैसे चंद्रमा होता है ना, शीतलता का प्रतीक होता है, शांति रखिए। और जैसे गंगा निकल रही है वो भी एकदम स्वच्छ निर्मल। तो कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि हमें चिंताओं को अंदर नहीं लेना शरीर के, उसको उगलना नहीं है, मन में रखना, यहाँ रखना है अपने। और दूसरी बात कि हमें दिमाग ठंडा रखना है। और जैसे हम देखते हैं कि जो शिव जी है उनका वाहन बैल है, और माता उमा है उनका वाहन सिंह है, और गणेश जी है उनका वाहन चूहा है, और जो कार्तिकेय है उनका वाहन मयूर है, और शिव जी गले में सांप लपेट के रखते हैं। तो देखिए, ये सारे जो जानवर हैं, सारे के सारे अलग अलग, मतलब आपस में लड़ने भिड़ने वाले, कहीं भी देख लीजिए, जैसे मोर है, चूहा है, सांप है, सब एक दूसरे के जाने दुश्मन है, पर ये प्रताप शिव जी का है कि सब एक साथ रह रहे हैं, सब एक ही फ्रेम में है, सब एक साथ ही है। तो हमें भी समाज में रहते हुए मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए, मिलजुल कर, मतलब हम बेशक जाते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन भी करने चाहिए, जाना भी चाहिए, पर हमें कुछ जो चीजें सीखने को मिलती है ना, वो हमें सीख जरूर लेनी चाहिए। जैसे प्यार से भी रहना चाहिए, दिमाग ठंडा रखना चाहिए, तनाव को अंदर नहीं उतारना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं। और वैसे तुलसीदास जी की एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मैंने पढ़ी थी कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए ध्याय, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए ध्याय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो सबसे प्यार से रहिए, खुश रहिए, स्माइल भी रखिए, पॉजिटिव भी रहिए, ठीक। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।